डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जेनेटिक्स में पीडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है पीडिग्री एनालिसिस की? क्या होता है कि पाइसम सटाइबम में मेंडल ने जब कैरेक्टर्स की स्टडी की, बहुत आसानी से ये काम हो गया, क्योंकि मटर का जो पौधा है वो बहुत कम समय में आसानी से प्रोजेनी दे देता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी संभव है और पूरी चीज़ें जो है वो कंट्रोल्ड रहती हैं। इसी तरह टीएच मॉर्गन को भी ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में बहुत अधिक सफलता मिली, क्योंकि ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उसका जीवन काल 7-8 सप्ताह का है, आसानी से प्रोजेनी को पहचाना जा सकता है मेल फीमेल कौन है, और कंट्रोल्ड उनमें भी हम फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं और जो भी प्रोजेनी आती है उनकी स्टडी कर सकते हैं। मनुष्यों में ये संभव नहीं है, क्योंकि यदि कोई वैज्ञानिक किसी परिवार की फैमिली हिस्ट्री का अध्ययन करता है, जिसे पीडिग्री एनालिसिस कहते हैं, तो उस वैज्ञानिक की खुद की भी लाइफ लिमिटेड है और कई पीढ़ियों का अध्ययन एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। मनुष्यों में कंट्रोल्ड फर्टिलाइजेशन भी नहीं किया सकता और बहुत सारे डाउट भी रहते हैं पेरेंटशिप पर, क्या पता उनका वो पिता का वो पुत्र है या नहीं, उसको गोद तो नहीं लिया गया था। 3 से 4 पीढ़ियों का अध्ययन किसी भी मानव परिवार में, बड़े समाज में, बड़े परिवार के अंदर, बड़े घराने में किसी भी कैरेक्टर्स का अध्ययन करना पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीडिग्री एनालिसिस कहलाता है। और इसके द्वारा बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है कि ये बीमारियां किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। इसमें कुछ डायग्राम रहते हैं जिसमें रिलेशनशिप के बारे में, मेल फीमेल के बारे में कुछ चिन्ह रहते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। इसका यूज़ कहाँ है? पीडिग्री आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन द मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी जो है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँच रहे हैं और उनको रोकने के उपाय भी किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, व्हाई डू पीडिग्री? पुन्नेट स्क्वायर में जैसा हमने देखा, काई स्क्वायर या पुन्नेट स्क्वायर में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो ड्रोसोफिला हो, पाइसम सटाइबम हो, उसकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों में पीडिग्री का बहुत महत्व है। सबसे पहली चीज़ स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली, कभी कभी 20 से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, उनकी स्टडी करना, फिर अनकंट्रोल्ड मेटिंग, और तीसरी चीज़ है फेल्यूर ऑफ ट्रूथफुली आइडेंटिफाई पेरेंटेज। जैसे हमने बताया था कि क्या पता उनके बच्चे जो हैं वो गोद लिए हुए हैं या उनके ही बच्चे हैं या नहीं है, डाउटफुल पेरेंटशिप इसमें रहती हैं। इंडिविजुअल में बेस्ट टू बी टेस्टेड इफ, यदि किसी व्यक्ति को कोई शक है, 3 प्रकार के क्वेश्चन है। देयर इज ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ वन स्पेसिफिक डिसीज, लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ी बीमारी चली, एक ही बीमारी चली जा रही है, उसके सिम्टम्स भी जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चों में किस तरह से पास होती है, ये स्टडी हम पीडिग्री में करते हैं। तो सिंबल देख लीजिए ध्यान से, सिंबल्स में आप देखेंगे ये जो चौकोर सिंबल रहता है ये अनअफेक्टेड मेल का है, जब इसके अंदर कोई भी कलर नहीं भरा हुआ है, और यदि इस चौकोर को अपन कलर कर देते हैं डार्क कलर से तो ये अफेक्टेड मेल कहलाता है। अनअफेक्टेड फीमेल जो है वो सर्कल के द्वारा शो करते हैं हम, और अफेक्टेड जो फीमेल है उसको डार्क कलर के द्वारा शो किया जाता है। ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये अननोन सेक्स को दर्शाता है, मेल और फीमेल के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, और यदि इसको क्रॉस कर दिया जाए, एक लाइन खींच देते हैं इस तरह की, तो ये डेड इंडिविजुअल को शो करता है कि ये मृत हो गया, ये परिवार का सदस्य, ठीक है। इसमें ये मैरिज के बारे में बताते हैं कि इन दोनों के बीच में मैटिंग हो गई है, ये आपका जो है वो मेल है और ये फीमेल है, मेल और फीमेल के बीच यदि एक लाइन खींच दी जाती है तो ये इनकी मैटिंग दर्शाती है। यदि 2 लाइन खींची हुई हैं, इसका मतलब उनके बीच रिलेशंस है, यानी रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं से आपस में वो सगे संबंधी हैं, उनके बीच मैटिंग के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जब आप तीसरे नंबर पर देखते हैं तो ये दोनों मदर और फादर अनअफेक्टेड हैं और बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि इनमें कहीं ना कहीं इस तरह का कनेक्शन हुआ है कि ये दोनों ही कैपिटल डी स्मॉल डी रहे हैं, ये कैपिटल डी स्मॉल डी इस तरह से ऑटोसोमल जीन रहे हैं, और फिर दोनों ही यहाँ पर क्या हो गया है, कैपिटल डी और कैपिटल डी होने के कारण ये दोनों यहाँ तो अनअफेक्टेड रहे,
लेकिन यहाँ पर ये प्रभावित हो गए उनके बच्चे। कैटेगरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर रहते हैं और कुछ जो है वो सेक्स क्रोमोसोमल वाले डिसऑर्डर रहते हैं। तो हमने दोनों को यानी ऑटोसोमल को और सेक्स लिंक्ड को दो भागों में बांटा है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझ जाइए। तो ऑटोसोमल का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर एक से लेकर मनुष्य में 22 तक के जो क्रोमोसोम हैं ये ऑटोसोम कहलाते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम से मतलब होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम को हेट्रोसोम, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के आप याद रखिए फिनाइलक्यूटोनूरिया, टीसेक डिसीज और एल्बिनिज्म, ये तीन बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव की हैं। इसका मतलब हो सकता है किसी पीढ़ी में ये करैक्टर दिखाई नहीं दे रहे हों, लेकिन अगली पीढ़ी में ये संभव है कि वो बीमारियाँ प्रकट हो सकती हैं, क्योंकि वो पहले रिसेसिव रही हों और बाद में रिसेसिव करैक्टर आपस में मिलकर इन्होंने ये बीमारी उत्पन्न कर दी हो। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। कौन कौन है? फिनाइलक्यूटोनूरिया, टीसेक डिसीज और एल्बिनिज्म। ऑटोसोमल में दूसरी है ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट में आप एग्जाम्पल याद रखिए, इसका एक ही एग्जाम्पल है हंटिंगटन डिसीज, ठीक है, जो स्वीडन में पाई गई थी, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। हाँ, दूसरी बात आती है सेक्स क्रोमोसोम वाली। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पहले बात करेंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में इसका मतलब ये है कि ये केवल एक्स क्रोमोसोम पर है और जब दोनों पर ये रहेगी तब ये अपनी बीमारी प्रकट करेगी, फीमेल जो है वो सिक रहेगी। इसके एग्जाम्पल एक्स लिंक्ड रिसेसिव के आप याद रखिए कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये क्लासिकल एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है, परीक्षा में ज़रूर आते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव करैक्टर कौन से हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट करैक्टर क्या होते हैं? ये चाहे एक एक्स के ऊपर हों, चाहे वो सिर्फ एक एक्स के ऊपर होंगे तो भी वो बीमारी पैदा कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, आप याद रखेंगे, हाइपोफॉस्फेटेमिया, बोन्स में फॉस्फोरस की वृद्धि ना होकर कमी हो जाती है। और अगला जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है बाई क्रोमोसोम। आपको मालूम होना चाहिए बाई क्रोमोसोम केवल मेल में रहता है, यानी फादर में रहता है, तो फादर से सन में ये ट्रांसफ़र होते हैं। द एलील फाउंड ऑन द बाई क्रोमोसोम, और केवल फादर से सन में यानी मेल टू मेल ये बाई लिंक्ड क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव की पीडिग्री हम अध्ययन करते हैं। ऑटोसोमल पीडिग्री में आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी पीढ़ी में ये करैक्टर दिखाई दे सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते हैं, यानी रेयर रहते हैं ट्रेट्स, ठीक है। सेकंड है ट्रेट ऑफन स्किप, हो सकता है कि माता पिता पीड़ित हों लेकिन बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, हिडन हो सकते हैं ये। तीसरी है ट्रेट अफेक्ट मेल एंड फीमेल इक्वली, यानी मेल और फीमेल में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होता है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो रहते हैं वो इक्वली पास होते हैं। और इसकी पॉसिबल डिसीज आप याद रखिए ऑटोसोमल रिसेसिव में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल, फिनाइलक्यूटेनूरिया और टीसेक, ये एग्जाम्पल हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की पीडिग्री के। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये फादर और मदर दोनों नॉर्मल हैं, फादर मदर नॉर्मल हों और बच्चों में से कोई एक यदि मान लो अफेक्टेड है तो 100% आप समझ जाइए कि ये जो है वो किस तरह का है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, यहाँ नॉर्मल हों और यहाँ पर अफेक्टेड हों तो ये कहलाते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए ये दोनों नॉर्मल हैं और ये अफेक्टेड हो गया, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव रहते हैं। अगला जो स्टडी करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स की। डोमिनेंट्स में हमेशा ध्यान रखिए कोई ना कोई बीमार हर पीढ़ी में बना ही बना रहता है, ठीक है। तो ट्रेट इज़ कॉमन इन द पीडिग्री, ट्रेट इज़ फाउंड इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में कोई ना कोई ट्रेट्स रहेगा, बीमार रहेगा। और अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या करता है, अपने आधे बच्चों को ये बीमारी दे देते हैं, आधे बच्चों को ये बीमारी दे देते हैं। और इनमें ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर्स में आप देखेंगे एकोंड्रोप्लेसिया, स्केलेटन डिसऑर्डर रहता है जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर का, ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री का एक एग्जांपल है, ध्यान रखिए इसका। हंटिंगटन डिसीज जो हमने स्टडी की थी, इसमें देखा गया कि वेनेजुएला की एक परिवार में जब 10,000 लोगों का स्टडी किया गया पीढ़ी दर पीढ़ी,
तो ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर हंटिंगटन्स डिसीज का पीढ़ी दर पीढ़ी आया, यानी पहली पीढ़ी में भी बीमार, दूसरी में भी, तीसरी में भी अफेक्टेड और चौथी में भी अफेक्टेड। इस तरह से पूरी की पूरी पीढ़ियाँ जो हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट से पीड़ित रहती हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो बहुत ही रेयर होता है और ये जनरेशंस में स्किप कर जाता है। जैसे यहाँ पर बीमार है, यहाँ पर बीमार है, लेकिन ये पूरी की पूरी जनरेशन स्किप हो गई। मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है, सो मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। फीमेल में क्या होता है, चूँकि रिसेसिव करेक्टर है, एक एक्स में यदि कोई बीमारी है हीमोफीलिया की है, दूसरा उसको डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि ये रिसेसिव डिसीज होने के कारण। सो फीमेल आर कैरियर, फीमेल हमेशा कैरियर रहती हैं। ये अफेक्टेड जब ही रहेंगे जब दोनों पर ही रहेगा जीन रहेगा हीमोफीलिया का। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव पढ़ी आपने, इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री। तो डोमिनेंट मतलब हर पीढ़ी में कोई ना कोई बीमार बना रहेगा, ट्रेट कॉमन रहेगा पेडिग्री में, ठीक है, और फादर से उसकी डॉटर में ये पास होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करेंगे तो हमेशा जो फादर रहते हैं वो अपने डॉटर को, है ना, तो अपने गर्ल को जो है वो बीमारी फैलाते हैं, और जो मदर रहती हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं अपने बॉयज़ को, यानी अपने बच्चों को, अपने लड़के को। तो ये इनमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में चलता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज़ अनयूजुअल रहती हैं और इसके एग्जांपल हैं आपके एक्स लिंक्ड रिकेट्स। अधिकतर बच्चे इसमें क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं, तो एक्स लिंक्ड। इसके बाद बायलिंक्ड इनहेरिटेंस, जैसा कि हमने बताया था ये केवल मेल्स में होती है और पिता से अपने पुत्र को मिलती है, तो वाई इधर, यानी ये जैसे इस ट्रेट्स ऑन द वाई क्रोमोसोम आर ओनली फाउंड इन मेल, नेवर इन फीमेल। तो वाई क्रोमोसोम फीमेल में होता ही नहीं है, इसलिए केवल मेल में पाए जाते हैं। फादर अपने सन को ये ट्रेट पास करता है, और इसमें आप देखेंगे ध्यान से, ये जो हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं, जिसमें कान में बाल आ जाते हैं, तो आप देखेंगे दादा से पिता में, पिता से उसके पुत्र में, एक हाइपरट्राइकोसिस नाम की ये बाल आने वाला ट्रेट जो है वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, ठीक है, थैंक यू।